अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे क्या दिया है कि ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, दिया हुआ है। ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर दिया है। तो हमसे कहा गया है कि ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि ए पी जो है खींचो जो बी सी पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये दिखाने के लिए कि एंगल बी और सी ये क्या है, इक्वल है। ठीक, वैसे तो हमें ये पता है कि आइसोस्केल ट्रायंगल में अपोजिट एंगल जो होते हैं, मतलब दो एंगल इक्वल होते हैं, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। बस तुम्हें ये हिंट दे दिया है कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें क्या है, टू साइड्स आर इक्वल। तो भाई जैसा दिया वैसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल गिवन में, और ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो टू प्रूव करने में क्या करेंगे कि ए बी एंगल बी इज इक्वल टू सी हमें प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे कि ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी। ए पी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पे। तो प्रूफ में जब हम करेंगे तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये जो ट्रायंगल बना है ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, और इधर जो ट्रायंगल बना है ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। और जिसमें कि ये जो दो, ये जो बड़ी साइड है इसकी और ये जो बड़ी साइड है इसकी, ये दोनों क्या है, हाइपोटेन्यूज है, जो कि इक्वल है, ठीक है, बात समझ में। और ये परपेंडिकुलर जो दिया है ए पी, ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल है। देन बाई आर एच एस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी। देन बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। जब कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनकी हर चीज़ आपस में इक्वल हो जाएगी, तो इनके जो ये एंगल हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है कि अपोजिट मतलब जो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है उसके उसकी जो इक्वल साइड्स होती हैं, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है उसकी जो इक्वल साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ से ये चीज़ प्रूफ होती है। ये हमेशा हम एज अ रिजल्ट की तरह अपने किसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज करेंगे, ठीक है।